अब मोक्ष का स्वरूप है। भावद्रव्यात्मकाशेष कर्मणो कर्मणांक्षया भावद्रव्यात्मको मोक्ष चारु चारित्र संपदा। भाव कर्म और द्रव्य रूप जो कर्म होते हैं, अशेष कर्म और नो कर्मों के क्षय से, देखिए ऐसा लगाना श्लोक में भाव द्रव्यात्मकाशेष कर्म, भाव रूप अशेष कर्म और द्रव्यात्मक अशेष कर्म, ये दो हो गए। फिर तीसरा लेना है नो कर्म नाम, नो कर्म। इन सब के क्षय से भाव द्रव्यात्मक मोक्ष, भाव और द्रव्यात्मक मोक्ष होता है। भाव कर्मों के क्षय से भाव मोक्ष होता है, द्रव्य कर्म और नो कर्म के क्षय से द्रव्य मोक्ष होता है। लेकिन होता कैसे है? चार चारित्र संपदा, सम्यक चारित्र की संपदा से होता है। चारों जो सुंदर सज्जा चारित्र किसको कहेंगे? सम्यक चारित्र, और वो भी सर्वश्रेष्ठ सम्यक चरित्र, परम यथा ख्यात चरित्र, उससे मोक्ष होता है। अनंत ज्ञान दृग्वीर्य सौख्यात्म स्वभाव सौख्यात्म स्वात्मलंबनम, अनंत ज्ञान दृग्वीर्य सौख्यात्म स्वात्मलंबनम सिद्धिर नाभाव चिन्मात्र चिन्मात्र सिद्धिर नाभाव चिन्मात्र निशेषात्म गुण क्षया। अनंत ज्ञान दृग्वीर्य सौख्यात्म स्वात्मलंबनम सिद्धिर नाभाव चिन्मात्र निशेषात्म गुण क्षया। अनंत दर्शन ने अनंत ज्ञान पहले लिखा, फिर दृक् का अर्थ दर्शन है, और फिर वीर्य है, फिर सौख्य है, तो ये अनंत चतुष्टय हो गया। इन रूप स्वात्म अपने स्वभाव की लंबनम प्राप्ति, लंबनम लाभ, इनका लाभ सिद्धि, और सिद्धि क्या नहीं है उसको भी बताना है। पहले विधि फिर निषेध, तो सिद्धि क्या नहीं है? आत्मा का अभाव हो जाना सिद्धि नहीं है, और चिन्ह मात्र निशेष आत्मगुण क्षय, चैतन्य मात्र में पाए जाने वाले जो निशेष यानी समस्त आत्मगुण है उनका क्षय भी क्या है? अभाव चित्त मात्र, चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र आधार ना है। तो इसमें पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने और माता जी ने और पंडित लाला राम शास्त्री जी ने थोड़ा न्याय का वर्णन किया है इसमें मतार्थ को लेकर, क्योंकि सिद्धि के विषय में मत मतांतरों में कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं मुक्ति के विषय में। तो अपन पढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन में आत्मा के अभाव को मोक्ष माना गया है, और उनका उदाहरण वो देता है मोक्ष का कि दिशम न कांचित विदिशम न कांचित। दीपक जब बुझता है तो न तो किसी दिशा में जाता है न किसी विदिशा में जाता है, ऊर्ध्व भी नहीं जाता और अधर भी नहीं जाता, वहीं का वहीं समाप्त हो जाता है। इसी तरह मोक्ष में आत्मा भी समूल नष्ट हो जाती है, उसका अस्तित्व नहीं रह जाता।
तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति में लिखा है ना भाव सिद्धि रिष्टा, न निज गुण हते है तब तपोभिर न युक्ते है। बोलते हैं कि अभाव रूप सिद्धि हम मान्य नहीं करेंगे और न ही अपने गुणों के विनाश को हम सिद्धि रूप में मान्य कर सकते हैं, क्योंकि इतनी कठिन तपस्या करके जो सिद्धि प्राप्त हो रही है वो अपना अस्तित्व मिटाने के लिए थोड़ी होती है, या फिर अपने गुणों का नाश करने के लिए थोड़ी होती। बुद्ध्याद विशेष गुणा भावान मोक्ष, वैशेषिक दर्शन में ऐसा लिखा है, बौद्ध दर्शन में लिखा है कि दिशा न कांचित विदिशा न कांचित, आत्मा न किसी दिशा में जाती न विदिशा में, वहीं के वहीं समाप्त हो जाती। ऐसी सिद्धि हमें जैन मत में इष्ट नहीं है। और सांख्य मत में क्या करते हैं, चिन्ह चिन्ह मात्र, ये चिन्ह मात्र को अलग लेना है, निशेष गुणात्मक को अलग लेना है। तो चिन्ह मात्र मतलब सांख्य में भी मानता है कि मुक्ति में चैतन्य मात्र रहता है, कोई अर्थ क्रिया नहीं होती। तो जैनाचार्य कहते हैं अर्थ क्रिया कारित्व ही वस्तुत्व, अर्थ क्रियाकारी होना ही वस्तु का स्वभाव है। आप बोल रहे हो कि मोक्ष के बाद वो चैतन्य मात्र अवशिष्ट रह गया, लेकिन चेतना कोई काम नहीं कर रही है, वो जब तक काम कर रही थी तब तक ये संसार था। अब चेतना शांत हो गई, उसने काम करना बंद कर दिया, जानना देखना कुछ नहीं हो रहा है, इसका नाम मोक्ष है। सांख्य मत वाले तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो परेशानियां हो रही थी वो विकारों से हो रही थी, आप राग द्वेष करते थे देखते हुए जानते हुए, तब आपको तकलीफ होती थी, देखना जानना दुख का कारण नहीं था। तो जैन मत में जो मुक्ति है उसके अनुसार तो देखना जानना तो बरकरार रहता है, बना रहता है, लेकिन राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, तो देखते जानते हुए भी आकुलता नहीं होती। तो ये चिन्ह मात्र बोल रहे हैं कि सिर्फ चेतन द्रव्य मात्र रह जाता है, उसकी कोई अर्थ क्रिया है ना, जानने देखने का कार्य उसमें नहीं होता। लेकिन जैनाचार्य ने कहा कि वस्तुत्व नाम का जो गुण है वस्तु का, वो अगर ना हो तो वस्तु ही नहीं होगी। और वस्तुत्व का क्या अर्थ होता है, अर्थ क्रिया कारित्व ही वस्तुत्व, वो कोई ना कोई काम करेगा, वो द्रव्य निकम्मा नहीं हो सकता, कोई भी द्रव्य, ये वस्तुत्व गुण का कार्य है, कोई ना कोई प्रयोजन भूत कार्य होगा उसका सभी द्रव्यों में। और फिर वैशेषिक दर्शन वाले लिखा ही नीचे में बुद्धि विशेष गुण विशेष गुण नहीं मार्ग हिंदुओं में भी करते ना, हम हमारे साथ तो कर चुके ना चर्चा, बाल कृष्ण जी आए थे ना वो जो रामदेव स्वामी के साथ, वो वेदांती है, लंबी चौड़ी चर्चा हुई नहीं तो है ना, उसमें उनके यहाँ पर तर्क भी है, न्याय भी है, सब है, अध्यात्म भी है, क्रियाकांड भी है, वेद वेदांत भी है, सब कुछ, बस अनेकांत की कमी है बस, और कुछ नहीं है। बाकी तो क्या है कि देखिए आप, जब गौतम गणधर गणधर नहीं थे तो पहुंचे तो पहुंचे एकदम एकांत पहुंचते नहीं तो एकदम ये उनको ये अनेकांत नहीं अनेकांत से सोचते वो बात है। असल में जब इंद्रभूति गौतम मानसतम के दर्शन से सम्यक दृष्टि बन गए, तो उनके पास जो ज्ञान था वो अपने जैनागम का ज्ञान नहीं था, वो उनके पास षडंग का ज्ञान था, षडंग का ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान सम्यक हो गया था जैसे सम्यक दृष्टि बन गए, ये बात विचारणीय है। सम्यक इसलिए हो गया कि उसमें फिर वो सापेक्षता आ गई, नयों में वो जितना भी ज्ञान था उनका उसमें कोई पक्षाग्रह समाप्त हो गया सम्यक दर्शन होते ही सब, तो वो ज्ञान वहां का है, दर्शन यहाँ का है, इसलिए वो ज्ञान भी सम्यक हो गया।
और फिर जब अंदर पहुंचकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं तब तो फिर साधवाद आ ही जाता है बात ही नहीं। चतुर्थ काल में अलग अलग होता है हमारे होंडा सर्प नहीं होता है नहीं, कभी नहीं होता कहीं कहीं होता ही नहीं कुछ नहीं केवल हुंडा सर्पणी में 363 मत की उत्पत्ति केवल हुंडा सर्पणी में और कहीं नहीं द्रव्य मिथ्यात्व कहते हैं 363 मत को ये कभी नहीं होता कहीं सिर्फ हुंडा सर्पणी में होता है। भाव मिथ्यात्व सर्वत्र होता है नहीं हाँ भरत ऐरावत में सप्त तत्वानि चैतेर्थाः पुण्य पाप द्वयं विना तज्जीवा जीवयोरंतर भूतं यन्नैगमन्नयान् नयात् नैगमात् मान नयात् हुनत् नैगमात् हुनत् क्या लिखा है हाँ माँ है पंडित लाला राम जी की प्रतिमा माँ है माता जी की प्रतिमा भी माँ हो सकता है इसमें माँ है नैगमात नयात् एते सप्त तत्वानि अर्थाः ये सात तत्व ही अर्थ कहलाते क्योंकि इनसे ये ऐसे खुले हवा में नहीं पाए जाते ये तो किसी पदार्थ के आश्रित होते हैं ये सात तत्व तत्व भाव है तो भाव द्रव्य के साथ ही तो होगा बिना द्रव्य के तो भाव नहीं हो सकता तो ये सातों तत्व अर्थ कहलाते हैं कब पुण्य पाप द्वयम बिना पुण्य और पाप इन दो को छोड़ दो तो सात तत्व अर्थ कहलाते हैं पुण्य पाप को जोड़ दो तो पदार्थ कहलाते हैं नौ पदार्थ और तद जीवा जीवी और अंतर्भूतम और ये जीव और अजीव दोनों में अंतर्भाव होता है इनका यत नैगमात नयात नैगम नय की अपेक्षा से जीव और अजीव दोनों में अंतर्भूत हो जाते हैं जीव और अजीव ये दोनों से ही इस संयोग वियोग अब सात तत्व कैसे बने मूल तत्व तो जीव और अजीव थे फिर अजीव का जीव में प्रवेश हुआ आश्रय हुआ ठहरा हुआ बंद हुआ एक देश पृथककरण हुआ निर्जरा हुई नवीन आगमन रुका संवर हुआ पूरा साफ हो गया मोक्ष हो गया तो ये संयोग और वियोग का ही नाम है सात तत्व लेकिन दो में सब समा जाते हैं सब दो में जीव और अजीव में सब आ जाते हैं तो ये जो सम्यक दर्शन के विषय थे वो सम्यक दर्शन के विषय यानी सम्यक दृष्टि को इन पर श्रद्धा होती है इतना समझना था इतना इसके बाद सम्यक दर्शन के जो दोष है उनकी थोड़ी चर्चा है लोकान्य देव पाखंडी वेदाध्यापित विद्यापादित पादिताधनम लोकान्य देव पाखंडी वेदाध्यापादित दलम मूढ़ाद पोढ़ं सम्यक्तम बाढ़ं दृढ़मिदं भवे लोक से आपादित अन्य देव से आपादित पाखंडी अर्थात मिथ्या गुरु से आपादित आपादित का अर्थ प्राप्त और वेद आदि के स्वाध्याय पठन पाठन से आपादित मूढ़ात जो मूढ़ है मूढ़ का अर्थ मोह युक्त भाव यानी भ्रांति रूप युक्त जो भाव है उससे सम्यक्तम अलम अपोढ़म सम्यक्त अत्यंत रहित होता है इन मूढ़ताओं से रहित होता है सम्यक्त और वह मूढ़ताओं से रहित सम्यक्त
इदम यह सम्यक्त बाढ़ दृढ़ भवेत। खूब अच्छे तरह से दृढ़त्व को प्राप्त हो जाता है, मूर्ताएं ना हो तो सम्यक दर्शन बहुत दृढ़ हो जाता है। हर प्रकार से दृढ़ हो जाता है। वाडम शब्द का अर्थ है हर प्रकार से। इदम सम्यक्तम वाडम दृढ़ भवेत। यह सम्यक्त मूढ़ताओं से रहित होता हुआ हर प्रकार से दृढ़ हो जाता है, यह अर्थ है। अब एक एक का वर्णन कर रहे हैं, एक एक मूर्ता को बतला रहे। लोक मूर्ता का लक्षण, गेय भक्ताग्नि भूस्वर्ण रत्नास्त्राद्युपकारकम् जनस्य वस्तु यत्तत्र वंद्यधीर लोक मूढ़ता। गेय का अर्थ होता है घर बार, भक्त यानि भोजन, अग्नि यानि आग, भू यानि भूमि, स्वर्ण यानि स्वर्ण, फिर रत्न, फिर अस्त्र आदि जो भी उपकारक वस्तुएं होती है जनस्य मनुष्य के लिए जो उपकारक वस्तु होती है, यत् तत्र उसके प्रति वंद्यधी वंदनीय बुद्धि, यानी जो भी उपकारी है वो वंदनीय है। इस तरह की जो मान्यता है शाम को जैसे वो लोग मुड़ गए लाइट गई उसकी रात घूम गई जाती है शाम के समय लाइट आ गई तो लोग तीन झंझा ने दिन डूबने का अंदर हो गया समय होता है उसी वक्त लाइट आ गई बहुत लोग जुड़ गए तो ये वंदन वंदे बुद्धि जो है उसका नाम लोक मूढ़ता है। घर की वंदना करना, अनाज की वंदना करना, अग्नि की वंदना करना, भूमि की वंदना करना, स्वर्ण की वंदना करना, रत्न की वंदना करना, अस्त्रादि जो उपकारक वस्तु है उनकी वंदना करना, ये लोक मूर्ता है। वो अस्त्र पूजा योद्धा लोग जो करते हैं ना, खाने की थाली को भी ऐसे करते हैं। इसमें अस्त्र में दो बातें रहेंगी, एक मूर्ता रूप प्रवृत्ति होगी और दूसरी विवेक रूप प्रवृत्ति होगी। जैसे चक्र रत्न की भरत चक्रवर्ती ने पूजा की थी तो वो कौन सी पूजा होगी, वो अस्त्र पूजा हुई। लेकिन वो भरत समय दृष्टि थे, कायिक समय दृष्टि थे, चरम शरीर था। तो इसमें क्या है कि आप इस श्लोक को पढ़ करके एकदम कोई हठाग्रह पूर्ण अर्थ नहीं निकाल सकते कि जिससे भरत समय चक्रवर्ती के समय पर प्रश्न चिन्ह लगा दो। आप अभी आपके सम्यक पर प्रश्न लगा ही हुआ है ऑलरेडी, पंचम काल में पैदा हुए, तो इसलिए आप इतना ज्यादा आगे दिमाग मत लगाना। वो दो प्रकार से शक्यता है इन सब क्रियाओं में, कि इन क्रियाओं में अगर बंद बुद्धि है वो और दूषित हो रहा है सम्यक, तब वो मूढ़ता कहलाती है। मूढ़ता सम्यक का दोष है, सम्यक का अभाव नहीं है। सम्यक के 25 मल बताए ना, उसके अंदर मूढ़ता आती है। मूढ़ता को मिथ्यात्व कह सकते हैं क्या? मूढ़ता मिथ्यात्व तो नहीं है ना, सम्यक का मल है ना।
सम्यक का मल क्या मिथ्यात्व होता है? सम्यक का मल क्या मिथ्यात्व होता है? कैसे हो सकता है? सम्यक का मल सम्यक प्रकृति के उदय से उत्पन्न होता है। सम्यक में जो अतिचार मल उत्पन्न होता है ना, वो कैसे होता है? सम्यक प्रकृति के उदय से होता है, मिथ्यात्व के उदय से तो नहीं होता है। अगर मिथ्यात्व के उदय से होगा तो फिर मिथ्यात्व तो भाई मिथ्यात्व की तो भूमिका ही अलग हो गई। अभी सम्यक दृष्टि की बात चल रही। और ये मूर्ता के विषय में इसमें रत्नकरण श्रावक आचार्य में भी तीन मूर्ता का वर्णन है, तो वहां पर प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है कि सम्यक की मलिनता का कारण हो जाएगा अगर आपके अभिप्राय में वैसा दूषण होगा तो, और यदि आपका अभिप्राय निर्मल होगा तो फिर न तन सम्यक मलिनता हेतु, सम्यक की मलिनता का कारण नहीं होगा। ये बात वहां लिखी हुई है। अभी अपन और आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मोमा पति गोविंद शाकेन्दु तपनादिषु मोह कादंबरी मत्तेष्वा प्रधीर देव मूढ़ता। आप प्रधीर गलत लिख रहा है, आप तधीर होना था। क्या पाठ है? आपतधि ही होना चाहिए था। हाँ, इसमें आपतधि है। ब्रह्मा उमापति गोविंद, फिर शाक्य का अर्थ बौद्ध बुद्ध है, फिर इंदु का अर्थ चंद्रमा है, तपन का अर्थ सूर्य है। इनको आदि लेकर जो भी देव माने गए हैं अन्य मतों में, उनके प्रति आप्त धी देव मूड का परमात्मा की धारणा, उनके प्रति परमात्मा की धारणा देव मूड का है। तो फिर इसका अर्थ तो ये हो गया कि ये धारणा तो सम्यक दृष्टि में नहीं हो सकती। तो मूड का अर्थ फिर यहां पर इस श्लोक के अनुसार तो मिथ्यात्व कैसे हैं ये इनका विशेषण देख लें। मोह कादंबरी मत्तेषु, ये मोह रूपी मदिरा से मत है, मत वाले हैं। मोह रूपी मदिरा से जो मत वाले हैं उनको परमात्मा मानना मूर्ता है, ऐसा कह रहे हैं देव मूढ़ता। अब पाखंडी मूढ़ता दंड पुत्रा मत्रादि संगिषु पुत्रा नहीं होना था ना, पात्रा होना था। हाँ, इसमें से पढ़ा मैं। वो यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी हो रही है, बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है। पाखंडी मूढ़ता दंड पात्रा मत्रादि संगिषु सन्मति स्वागमाभास भ्रांत स्वांतान्य लिंगिषु। पुत्र का अर्थ वस्त्र लिखा, पुत्र वस्त्र है। पुत्र अपन देख लेते हैं कोश में, पुत्र का अर्थ वस्त्र है।
वस्त्र लिखा है इसमें और पुत्र का अर्थ है, पात्र भी लिखा है, वस्त्र और पात्र। पाखंडी मूड का पुत्र का अर्थ पात्र और वस्त्र है डिक्शनरी में, कोश में दोनों अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। वैसे अपन सोच रहे थे कि पात्र सीधा होता तो भी सरल हो जाता, पर ठीक है अगर लिखा है तो लिखा है, अच्छी बात है। तो डंडे, वस्त्र, पात्र और पात्रा मत्रादि, अमत्र का अर्थ बर्तन है और पोत्र का अर्थ वस्त्र है। डंडे, वस्त्र और बर्तन आगे आदि परिग्रहों वाले और स्वागम आभास भ्रांत स्वांतान ने लिंगिश, अपने आगमाभास से भ्रांत यानी भ्रमयुक्त है, स्वांत यानी मन जिनका, ऐसे अन्य लिंगिश जिन शासन के लिंग वालों की बात नहीं चल रहे, अन्य मत के जो वेश हैं उनको धारण करने वालों के प्रति सम्मति ही, सन्मति कैसे लिखा पंडित जी ने, सम्मति शब्द होता है ना, सन्मति शब्द होता है क्या, सन्मति शब्द, ये तो महावीर स्वामी का तो नाम ही है। यहाँ पर सन्मति का अर्थ है उत्तम मन, उत्तम है मति जिनकी, पर यहाँ पर सम्मत, सन्मति शब्द नहीं आना चाहिए, सम्मति आना चाहिए। सम्मति का अर्थ सहमति, राय, समान राय होना, यानी उनका जो मत है उससे अपना मत मेल खा जाए, ये पाखंडी मूर्ता है, गुरु मूर्ता है। फिर चौथी वेद, वेद मूर्ता। तीन मूर्ता तो प्रसिद्ध है, वैसे ये अतिरिक्त एक मूर्ता का और भी वर्णन चल रहा है, पापोपदेश वेदान्य पुराणादिशु सन्मति स्याद वेद मूढ़ता जंतु, सम्मति होना चाहिए संस्कृत भ्रांति कारण। ये वेद मूढ़ता का अर्थ है पाप का उपदेश करने वाले, वेद यानी जो भी ग्रंथ आदि हैं और अन्य पुराण आदि हैं उनमें सम्मति होना, समान मति होना, वह वेद मूढ़ता होती है। और वह जंतु संस्कृत भ्रांति कारण, जंतु के लिए संसार में भ्रमण का कारण होती है। अब सम्यक दर्शन के गुण बतलाते हैं, गुणा प्रशम निर्वेद संवेगास्तिक्यतादयः स्वदोष निंदा गर्हाद्याः सम्यक्तो मणि रश्मयः, सम्यक्त रूपी जो मणि है उसकी किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं, गुणा जो गुण है वो किरणें हैं, कौन से गुण है, तो प्रशम निर्वेग का अर्थ वैराग्य, संवेग का अर्थ धर्म से प्रीति, आस्तिक्य का अर्थ श्रद्धा की दृढ़ता आदि। और फिर स्वदोष निंदा गर्हाद्या, अपने दोषों की निंदा यानी अपने अकेले में अपने दोषों की निंदा की जाती है और गर्हा गुरु आदि के सामने की जाती है, तो अपने दोषों की निंदा और गर्हा आदि ये सब सम्यक रूपी मणि की किरणें हैं। अब सम्यक के आठ अंग कौन से हैं,
वो बताते हैं। निःशंकत्व मक्कांक्षत्व निर्जुगुप्स्य ममूढता उपगूह स्थितिकारो वात्सल्यंच प्रभावना इत्यष्टंगानि पुष्टानि इत्यष्टांगानि पुष्टानि सम्यक्त गुण संपदे यद्वदंगानि सप्तस्यो राज्य साम्राज्य संपदे। निशंकित आकांक्षत्व निशंकत्व आकांक्षत्व नैर्जुगुप्स्य अमूढ़ता उपगूह स्थितिकार वात्सल्य और प्रभावना, ये आठ अंग पुष्ट हो तो सम्यक के गुणों की संपदा के लिए होते हैं। यद्वत् जिस प्रकार सप्त अंगानि स्युः सात अंग हैं तो प्राज्य साम्राज्य संपदे श्रेष्ठ साम्राज्य की संपदा के लिए सात अंग हैं। जिस प्रकार श्रेष्ठ साम्राज्य की संपदा के लिए सात अंग हैं वैसे ही सम्यक की गुण संपदा के लिए ये पुष्ट किए हुए ये आठ अंग हैं। हेतु द्वयोत्थ कार्यानु मेहेयं भवितव्यता दुर्लंघेति भयाभावो निशंकत्वं भयोदय। अब एक एक अंगों का वर्णन एक एक काव्य में करते हैं, बल्कि एक से अधिक काव्यों में भी है, कई स्थानों पर वर्णन बहुत सुंदर वर्णन है। मूढ़ता में बस थोड़ा वर्णन अपना, तो अभी अपन ने समय के गुण और समय के अंगों के नाम पढ़े। समय के गुणों में प्रशम निर्वेग संवेग आस्तिक्य आदि में अनुकंपा भी ले लेंगे और अपने दोषों की निंदा कर हम कि सम्यक रूपी रत्न या मणि की रश्मियां अर्थात किरणें हैं, एक बात हुई। फिर निशंकित आदि आठ अंगों की बात हुई, आठ अंग पुष्ट होते हैं तो सम्यक की गुण संपदा बढ़ती है। जैसे सात अंग सही होते हैं राज्य के तो श्रेष्ठ साम्राज्य की संपत्ति में वृद्धि होती है। और ये चार मूढ़ता की जो बात आई थी उसमें लोक मूढ़ता देव मूढ़ता पाखंडी मूढ़ता और वेद मूढ़ता ऐसे बात आ गई थी। गुरुजी समस्त उपकारी की पूजा का निषेध भी है किन्हीं किन्हीं का आगे से क्या लेना, इस विषय को यहाँ स्पष्ट कर दें अन्यथा लोग अभी अर्थ भी कर रहे हैं। नहीं, इसका स्पष्टीकरण यही है कि यहाँ पर जो उपकारक वस्तु है उसमें वंद्य बुद्धि वो वंदनीय है ऐसी धारणा इसको लोक मूर्ता कह रहे हैं। अब ये चूंकि सम्यक दर्शन का प्रकरण है तो सम्यक दर्शन के प्रकरण में जो वंदनीय की श्रेणी में आते हैं वो लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत वंदनीय की श्रेणी से पृथक श्रेणी के पदार्थ होते हैं। समझ में आ रही बात है? लौकिक विनय में जो वंदनीय होते हैं माता पिता शिक्षक ज्येष्ठ जन और फिर अन्य जितने भी उपकारी हैं वो एक भिन्न श्रेणी हो गई, लेकिन यहाँ पर वंद धी यानी ऐसी श्रद्धा हो जाती है अपनी कि ये वंदनीय है तो वो एक धर्म बुद्धि की अपेक्षा से वंदनीय मानने लग जाते हैं। तो वो धार्मिक बुद्धि से वंदनीय नहीं है, वो लोकाचार की अपेक्षा से वंदनीय हो सकते हैं जो उपकारी पदार्थ है। और सम्यक के प्रकरण में जो वंदनीय है वो वंदनीय कौन है? तो वंदना के योग्य जो गुण है वो यदि किसी के पास है तो वो वंदनीय है, ऐसा विभाग करना होगा। सम्यक के प्रकरण में वंदनीय जो है उनमें देव शास्त्र गुरु और फिर इनसे संबंध रखने वाले द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनसे संबंध रखने वाले सचित्त अचित्त और मिश्र,
पदार्थ भी हो जाते हैं जिनको मंगल कहा है धवला में। नहीं वो तो क्लीन कैटेगरी हो जाती है, जैसे सम्यक दर्शन हो जाता है तो एकदम स्पष्ट विभाजन हो जाता है, और ये कोई भी विवेकी अपने अंदर ये विभाजन कर सकते हैं। मूलाचार में तो यहाँ तक लिखा 583 गाथा में कि अगर गुरु आपके घर में आया और आप पूजा कर रहे हैं तो आप अगर गुरु की वसतिका में जाकर उनकी पूजा कर रहे हैं तो मोक्ष मिले हैं, और आपके घर गुरु आया और आप पूजा कर रहे हैं तो लोकानुवृत्ति भी नहीं, भले ही आप मोक्ष फल प्राप्त फल निर्वपामिति बोलो, लेकिन इसमें क्या है लोकानुवृत्ति इसलिए कह रहे हैं उसको, आपके अंदर सम्यक दर्शन है, आपके अंदर उनके प्रति गुरुत्व बुद्धि है, आपके अंदर आगम के अनुसार नवदा भक्ति या नवोपचार विधि से उनको आहार दान करने की पूरी भावना भी है और क्रिया भी है, लेकिन तब भी यहाँ लेन देन हो रहा है इसलिए उसको लौकिक कहा। लेन देन क्या हो रहा है कि साधु आहार लेने के लिए प्रयोजनवश आया, आपके यहाँ भिक्षा प्राप्ति के लिए आए हैं और तब आप उनकी पूजा कर रहे हो और आहार दे रहे हो तो उसको लोकानुवृत्ति विनय में लिया, और वहां पर उन्होंने केवल साधु को नहीं कहा मूलाचार ग्रंथ में, साधु के साथ देखिए उन्होंने क्या पंक्ति लिखी है मूलाचार ग्रंथ की 583 नंबर गाथा, उसमें विनय का वर्णन है, ये थोड़ा सावधानी से सुनने वाला विषय है। एक प्रश्न और है, बता दें पहले बता दीजिए। अवश्य करेंगे ना पूजा, अवश्य करेंगे पूजा, भरत तो क्षयिक सम्यक दृष्टि थे ना, उनको तो सम्यक प्रकृति का उदय नहीं था, लेकिन वो पूजा कर रहे हैं तो उनके ज्ञान में और उनके श्रद्धा में बिल्कुल स्पष्ट विभाजन है, कोई भी उसमें मलिनता नहीं है, एकदम निर्मल श्रद्धा है क्षायिक समय कृष्ण। उसी परिप्रेक्ष्य में आज नई कार की है कंप्यूटर की पूजा करना बड़े भगवान मात्र ने पर उपकारी मानकर आगम सम्मत है या नहीं इसका भी समाधान करें ताकि हम उस आधार पर आगे खेल सकें। 25 दोष है या 25 मन है, 8 मन दोष है, दोष और मन में कंफ्यूजन है। देखिये इसमें ये लिखा है अभ्युत्थान उठकर खड़े होना, किसी के आने पर अपने आसन से उठ जाना, प्रांजलि अंजलि करना, हाथ जोड़ लेना, फिर स्वावास समागतस्य आसन दान, अपने घर पर आए हुए को आसन प्रदान करना, बैठने का स्थान देना, तथा अतिथि पूजा। अब ये अतिथि पूजा को उन्होंने लौकिक विनय में रखा है मूलाचार्य। अतिथि पूजा का अर्थ क्या है, मध्यान्ह काले आगत साधो हो, मध्यान्ह काल में आए हुए साधु की, अन्यस्य वा धार्मिकस्य अथवा अन्य धार्मिक की, बहुमानम का अर्थ होता है द्रव्य भाव पूजा करना, ये अतिथि पूजा है जो लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत, वो काम से आए हैं और आप उनको अतिथि के योग्य आदर दे रहे हो और उनकी पूजा कर रहे हो, इसलिए ये लोकानुवृत्ति विनय। यद्यपि इस लोकानुवृत्ति विनय में यार व्रतियों के लिए
ये तो सामान्य सबकी बात होगी, लेकिन जो खास व्रति अतिथि संविभाग व्रत जिन्होंने धारण किया उनके लिए तो ये व्रत है, यानी उनके पंचम गुण स्थान की एक चर्या है, साधुओं के लिए आहार अधिक देना विधिवत। पर यहां पर देखिए दो बातें लिखी, मध्यान्ह काल में आए हुए साधु की अतिथि पूजा होती है, और अन्यस्य वा धार्मिकस्य, और अन्य धार्मिक की भी, आगतस्य आए हुए अन्य धार्मिक की भी अतिथि पूजा होती है। वो अन्य धार्मिक कौन है? आए हुए है ना, आमंत्रितस्य नहीं लिखा, आगतस्य। और अतिथि शब्द उन पर लागू पड़े ऐसा कौन व्यक्तित्व है ये देखना होगा, क्योंकि अभी साधु के बाद में अन्यस्य और शब्द है, तो अन्य में किनको लेंगे? बिना निमंत्रण के कौन आता है घर पर? वो तो साधु शब्द में आ गया, फिर इसमें अन्यस्य और शब्द लिख, अन्यस्य धार्मिकस्य, अन्य धार्मिक कौन आते हैं? केवल पीछे घर आते हैं बिना निमंत्रण के, भोजन के लिए केवल पिछेधारी आते हैं और कोई नहीं आते। तो अन्य से धार्मिक अस्य में बाकी सब आ जाएंगे, तो इनकी पूजा करना अतिथि पूजा कहलाती है। मूलाचार में लिखा है, मूलाचार इसको ने छपाया, कौन किन्ने पढ़ा छपाया? आचार्य सार में नहीं, ये मूलाचार की बात पता है, मूलाचार की पंक्ति पढ़ रहा है, मूलाचार ग्रंथ की, और उसके बाद में और भी कुछ चीजें लिखी है कि और क्या क्या शामिल है इसमें। इसको ये कर दो, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर थोड़ा विवेचन करना अवश्य है, क्योंकि इसको स्पष्ट समझना। नहीं गाथा तो इसको सबने पढ़ा है, इसको मूलाचार नहीं पढ़ा क्या? सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन बात पकड़ में नहीं आती ना उनको। वो साधु अन्यस्यवा धार्मिक अस्य का अर्थ बता दे कोई भी, जितने बड़े से बड़े आचार्य हैं उनसे पूछ ले कि अन्य सेवा धार्मिक अस्य में कौन आएंगे, और आगतस्य विशेषण और लगाना है, आए हुए, बुलाए हुए नहीं, आए हुए, उनकी पूजा करना, ये लिखा है। अब फिर पूजा का अर्थ वो बोलते हैं कि नमस्कार कर लिया तो भी पूजा ही होगी। अरे नमस्कार कर लिया, अगर उसको नमस्कार को आप पूजा मानते हो, तो फिर जो नवोपचार विधि है उसमें प्रणाम को अलग रखा और अर्चना को अलग क्यों रखा? अगर प्रणाम ही पूजा है तो फिर अर्चना अलग से क्यों बताई उसमें नवोपचार विधि में? ये बात है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, सारे श्रोता लोग वो लिख करके एक बार यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं, तो अपने दृक् दोषाः पञ्चविंशति। श्लोक में जो लिखा है मूढत्रयम् मदाश्चाष्टौ तथा नायतनानि षट् अष्टौ शंकादयश्चेति दृक् दोषाः पञ्चविंशति। श्लोक में ही लिखा है ये सम्यक दर्शन के 25 दोष है। इसको दोष को मल भी कहते हैं, आचार्यों ने कई कुछ स्थानों पर मल शब्द का भी प्रयोग किया, सम्यक तो मलाह ऐसे शब्द का भी प्रयोग किया हमने। तो कौन से 25 हो गए? पहले ये भी गिनती अपन याद रख ले, 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन, अनायतन का अर्थ मिथ्यात्व के स्थान, और 8 अंगों से विपरीत प्रवृत्ति करना, शंका आदि, ये 8 होने मिला ले, 25 दोष हो गया, दृक् दोषाः पञ्चविंशति। 4 प्रकार की मूढ़ता बताई, मूढ़ता का अर्थ तो मुह धातु से मूढ़ शब्द बनता है, क्त प्रत्यय करने से, मुह धातु का अर्थ होता है भ्रांति, यानी अपनी बुद्धि अपनी मान्यता अगर भ्रम से युक्त है, स्पष्ट और फिर सत्य मान्यता नहीं है अपने अंदर, भ्रम को अपन सच मान करके बैठ गए, तो उसका नाम मूर्ता है।
और मूड शब्द का अर्थ यहाँ पर तो फिर मिथ्या दृष्टि निकल रहा है, फिर इसमें कैसे क्या प्रवृत्ति होगी, तो फिर सम्यक में जो दोष लग रहे हैं उनमें कैसे घटित करना है उस पर अपन और विचार करते हैं। ठीक है, अभी आज इतना। जय नम जय तो शास्त्र तथा प्राणिक स्वाध्याय।